नेक्स्ट क्वेश्चन द रजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर डी एंड लेंथ एल इज आर एक तार है जिसकी पूरी यूनिफॉर्म लेंथ एल है और डायामीटर डी है द रजिस्टेंस ऑफ अनोदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट डायामीटर इज टू डी एंड लेंथ फोर एल तो दूसरे वाले तार के लिए आर डैश इज इक्वल टू मटेरियल सेम है लेंथ दी है 4l, डायमीटर डायामीटर दिया हुआ है 2d, 2d का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 4d स्क्वायर है ना 2d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए ये तो सेम ही आ गया 4 4 कैंसिल हो जाएगा नीचे से 4l ये भी पलट के ऊपर जाने ही वाला था रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर तो इसकी भी रजिस्टेंस आर ही होगी लेंथ विल बी आर बीटाइज करेक्ट आंसर क्वेश्चन इज द रजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर डी एंड लेंथ एल इज आर रजिस्टेंस दिया हुआ है आर रो लेंथ इज एल कैपिटल एल दिया हुआ है नो प्रॉब्लम डायामीटर इज डी So it is pi d square by 4. The resistance of another wire of the same material, but diameter 2d and length 4l is length दी हुई है 4l and diameter दिया हुआ है 2d तो 2d का ka square कर लो 4d square by 4. ये resistance निकालना है कितना होगा? So this is equal to 4 से 4 cancel out. ये तो वही आ गया. देखिए ना l upon rho pi d square by 4 फोर ई ऊपर चला गया था इसका सो वॉट इज दिस दिस इज इक्वल टू आर बीटा इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स ऑप्शन ए शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आकार पर शेप मतलब आकार उसका किस तरह से दिखता है सर्कुलर है अगर एरिया स्क्वायर अगर एरिया है क्रॉस सेक्शन का रेक्टेंगुलर है अगर तीनों में एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस तो सेम होगा इस पर डिपेंड नहीं करेगा एरिया पर डिपेंड करता है परंतु उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे करता है मटेरियल पे भी करता है लेंथ पे भी करता है तो करेक्ट आंसर इज ए शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया नेक्स्ट इज अ रजिस्टर इज इन द शेप ऑफ अ ट्रंकेटेड राइट सर्कुलर कोन ऑफ लेंथ एल द एंड रेडिया आर वन एंड आर टू दैन रजिस्टेंस बिट्वीन द प्लेन फेसेस अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म वाला है तो इसका रेडियस आर है तो फॉर्मूला होता है इट इज़ रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर बट इफ इट इज इन द शेप ऑफ लीनियर ट्रंकेटेड कोन मीन्स इसकी रेडियस है यहाँ पे आर वन एंड यहाँ पे इट इज़ आर रेडियस है आर टू देखिए पाई आर स्क्वायर है ना तो क्या किया जाता है पूरे फिजिक्स में ये रूल लगता है कि आर को आप आर वन आर टू ब्रेक कर दें आर स्क्वायर को दो आर में ब्रेक कर दें पाई आर इन आर एक आर आर वन को दे दें और दूसरा आर आर टू को दे दें इस फॉर्म में चेंज होता है चाहे मैकेनिक्स हो चाहे हीट हो कुछ भी रो एल अपॉन एरिया आर वन इंटू आर टू एक दूसरा रूल होता है कहीं पे भी अगर टू आर होता है सिंगल पावर में तो इसको लिखा जाता है आर प्लस आर एक आर वन को मिल जाता है एक आर टू को मिल जाता है ये कॉमनली यूज होता है फिजिक्स में रो एल अपॉन पाई आर वन आर टू दिस सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वायर ऑफ लेंथ फाइव मीटर एंड रेडियस वन मिलीमीटर हैज रजिस्टेंस वन ओम वन ओम का रजिस्टेंस दिया हुआ है रो लेंथ दी हुई है फाइव मीटर रेडियस दी गई है वन मिलीमीटर सो इट इज समथिंग लाइक दिस वॉट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर एंड ऑफ रेडियस टू मिलीमीटर विल बी उसकी भी रजिस्टेंस वन ओम दी हुई है सेम मटेरियल है लेंथ निकालनी है आपको इस बार रेडियस दी हुई है टू मिलीमीटर mm. तो बस दोनों को डिवाइड कर लीजिए सबसे आसान जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो कैंसिल कर दीजिए सबसे आसान वन अपॉन वन इज इक्वल टू फाइव अपॉन वन मिलीमीटर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एल अपॉन टू मिलीमीटर का स्क्वायर इट इज फोर मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा सो सिंपल फाइव बाई वन इज फोर बाई एल एल इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर ट्वेंटी मीटर इज द आंसर डेल्टा इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेनिन इज फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस एट ओम इंटू मीटर द रजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड फिफ्टी सेंटीमीटर इज एक क्यूब का रजिस्टेंस निकालना होता है मीन्स एक फेज से इसमें करेंट आएगी और दूसरे फेज से बाहर जाएगी वॉट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया अंडर कंसिडरेशन फिफ्टी सेंटीमीटर बाय फिफ्टी सेंटीमीटर वॉट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर अंडर कंसिडरेशन फिफ्टी सेंटीमीटर लंबाई कितनी फिफ्टी सेंटीमीटर एरिया इतना खत्म क्वेश्चन आर इज इक्वल टू रो फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस एट लेंथ फिफ्टी सेंटीमीटर की लेंथ है तो सेंटी को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में एरिया फिफ्टी सेंटीमीटर इंटू फिफ्टी सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर होने के कारण सॉल्व करिए ये फिफ्टी ये फिफ्टी ये फिफ्टी कैंसिल ये फिफ्टी ये फिफ्टी कैंसिल माइनस टू माइनस टू एड हो गए माइनस फोर इसमें से कैंसिल माइनस फोर माइनस फोर और माइनस टू योर आंसर इज टेन टू द पावर माइनस सिक्स ओम A is correct answer.